अनियंत्रित होकर स्कूल वैन पलटी, बाल बाल बचे बच्चे, चिकनी मिट्टी के कारण फिसली थी स्कूल वैन। जिला मुख्यालय से लगे ग्राम गोंगलई में एक स्कूली वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि इस घटना में स्कूली बच्चे बाल बाल बच गए। घटना की जानकारी ग्रामीण द्वारा पुलिस को भी दे दी गई। घटना के बाद वैन चालक ने ग्रामीणों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला, जिसमें सभी बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार यह स्कूली वैन एक निजी स्कूल की बताई जा रही है, जो आज सुबह छोटे बच्चों को उनके घरों से गोंगली के रास्ते स्कूल जा रही थी, क्योंकि एक दिन पूर्व इस मार्ग में बाढ़ का पानी घुस गया था, जिस कारण सड़क पर चिकनी मिट्टी जम गई थी। वाहन चालक जैसे ही इस सड़क पर अपने वाहन को लेकर गुजरा, तभी चिकनी मिट्टी की वजह से वाहन अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया। गनीमत की बात यह रही कि वैन में केवल 6-7 बच्चे ही घटना के वक्त मौजूद थे। अगर बच्चों की संख्या अधिक होती तो निश्चित तौर पर बड़ी घटना घट सकती थी। स्कूल वैन पलटी है, कौन सी स्कूल की वैन है और कितने बच्चे इसमें बैठे हुए थे? बच्चे जो 6 थे। 6 बच्चे थे। कौन सी स्कूल की वैन है? दिल्ली पब्लिक स्कूल की है। अच्छा, ये जो खुरसोड़ी में? हाँ। अच्छा, कैसे हुआ ये हादसा? मतलब एक प्रकार से अनियंत्रित होकर तो कोई बच्चों को चोट वोट हुई आई? कुछ एक बीतता सा भी नहीं, ना मेरे को नहीं, ना मेरे किसी बच्चों को भी नहीं, जो मेरे साथ था उसको भी किसी तुरंत मतलब ग्रामीणों के सहयोग से बच्चों को निकाल लिया गया। ग्रामीण में एक बच्चा था मेरे साथ और एक भैया जी था, फटाफट निकाल लिया बच्चों को। अच्छा, आपके साथ कितने साथी जी? वैन में नियम होता है कि ड्राइवर के साथ में उनका साथी होता है। हेल्पर थे आप? हेल्पर है।